नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में तीन अंकों की संख्या का गुणा करने की ट्रिक है वो आपको बताने वाले हैं। जैसे कोई भी तीन अंक हो, इसमें अपन सामान्य मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, ट्रिक के साथ करेंगे। एक ही लाइन में अपन इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे, एक ही लाइन में दोनों का, ठीक है। तो उसको आपको समझना है। समझने के लिए करना क्या है कि इसमें देखिए कितने अंक हमारे पास, पहला अंक है, ये दूसरा अंक हो गया और ये तीसरा अंक हो गया, यानी तीन अंक हो गए ना हमारे पास। तो इनमें आपको लेना है सबसे पहले पहला कॉलम। पहला कॉलम मतलब आपको यहां पर लेना है किसको काम में, तीन को और दो को, ठीक है। तीन और दो को काम में लेना है एक बार में। फर्स्ट स्टेप में आपको इनका यूज करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको दो कॉलम रख लेने हैं। दो कौन कौन से, तीन और दो, दो और एक, यानी दो और एक और तीन और दो, ये अगली स्टेप में आपको यूज में ले लेना है। ऐसे बढ़ते हुए चलेगा, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, तीसरी बार में कौन आएगा, ये पूरे आ जाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो, ऐसे आ गए ना तीनों के तीनों। अब क्या करेंगे, अब इनमें अपन वापस घटाना प्रारंभ करेंगे। जैसे पहले एक को लिया, फिर दो लाइन आ गई, फिर तीन आ गई, अब क्या करेंगे, अपन तीन से वापस दो आएंगे। दो का मतलब इसको छोड़ देंगे, जो सबसे पहले ली थी ना हमने लाइन, इसको हम छोड़ देंगे। तीन और दो को अब अपन यहां से छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन, एक दो चार एक, फिर इसमें से एक और छोड़ देंगे, तो लास्ट में एक और चार आपके पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी, इसके आधार पर आप करेंगे तो इसको फास्ट कर पाएंगे। तो पहला काम होगा तीन और दो का, यानी इसका काम होगा पहला। तो तीन को दो से गुणा करेंगे तो तीन दूनी कितने हो जाएंगे, छह, वो आपको यहाँ पे रख देने। अब इन दोनों को यूज में लेना है, दो लाइन, तीन और दो, दो और एक, जो कि हमने यहां पर रखी हुई है, दो और एक है, तीन और दो। अब इसको करना क्या, इसको करना आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। तीन तो एक से हो जाएगा, दो दो से हो जाएगा, तो दो दूनी चार, तीन एकम तीन। एक बार आपको टाइम लगेगा, एक बार जो ही आप इसको समझ लेंगे उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा, इसे साइड में लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे पाएंगे। तो तीन एकम तीन और दो दूनी चार, इधर से तीन, इधर से चार आ गए, इन दोनों को जोड़ देना है। तो दो दूनी चार है, तीन एकम तीन है, चार और तीन कितने हो गए, सात, ये सात आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। पहली लाइन का काम हो गया, दूसरी लाइन का काम हो गया, अब तीसरी लाइन के नीचे अंक रखना है। तो तीनों लाइन आपको यूज में लेनी है। तीनों लाइन देखो हमने यहां पर रखी हुई है, एक चार, दो एक, तीन। तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा। अब तिरछा गुणा किसको करेंगे, तो ये देखो ये जो शुरू वाला है ना एक, है ना, वो तो इस दो से गुणा होगा, यानी ये और ये गुणा होगी, ये और ये दोनों गुणा होंगे। अब ये तो अकेला पड़ गया ना, ये तो किसके बीच में आ गया, तिरछा में आ नहीं सकता, ये तो इसकी तरह आ गया ना। तो जब इसकी तरह होगा तो इन दोनों को गुणा कर लेना है, और जब इनकी तरह बनेगा तो इनको तिरछा गुणा कर लेना। तो ये और ये, ये और ये तो चले जाएंगे तिरछे गुणे में, यानी एक को दो से गुणा करेंगे, दो एकम दो, दो तो ये बन गया, और चार तीन बारह, यानी दो यहां से बन गया, बारह यहां से बन गया, तो कितने बन गए, दो और एक बन गए बारह। अब ये बीच में रह गया तो दो एकम दो, ये टोटल कितना बन गया, बारह और दो चौदह और दो सोलह। तो सोलह का यहां पर आने वाला है छह, और एक आपके पास यहां पर हासिल की रह जाएगी, जिसको आपको रख लेना है। तीनों आ गए ना, अब इसको छोड़ना है, इन दोनों को काम में लेना है, एक दो चार एक, दो को चार से गुणा करेंगे तो चार दुनी कितने हो जाएंगे, आठ, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक एकम एक, यानी चार दुनी आठ और एक नौ, और एक हासिल वाली दस, दस की जीरो आ जाएगी, हासिल फिर से एक हो जाएगी। अब आपको इसको भी छोड़ देना है, ठीक है, इसको भी छोड़ देना है, ये कंप्लीट छूट जाएगा, बचेगा कौन, चार और एक, तो चार एकम चार, तो यहां पर सीधा आपका चार आ जाएगा, हासिल थी ना, हाँ एक हासिल थी, तो चार और एक पांच आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 50,656। अब देखिए इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, यहां इधर नहीं समझेंगे, इधर सीधा करने वाले हैं। पहले अपन इसको गुणा करने वाले हैं इनको, ये ध्यान रखना। तो चार दूनी आठ आ गया। अब दो लाइन लेंगे, पहली और दूसरी, दोनों लाइन लेने वाले हैं अपन। दोनों लाइन लेंगे तो तीन को तो चार से गुणा करना है, चार थी बारह, और दो को दो से करना है तो दो दूनी चार, चार थी बारह, और चार ये कितने हो गए, बारह और चार सोलह, सोलह का हो जाएगा छह, एक हासिल अपने पास हो जाएगी। अब तीन लाइनें लेनी है, पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली और तीसरी का तो हो जाएगा यहां पर तिरछा गुणा, और ये जो दूसरी लाइन है डायरेक्ट तीन दुनी छह बन जाएगा, कितना बन जाएगा, तीन दुनी छह, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इनका तिरछा गुणा करेंगे तो चार दुनी कितने हो जाएंगे, आठ, और दो एकम कितने हो जाएंगे, दो, चार दुनी आठ और दो एकम दो, कितने हो गए, दस, और तीन दुनी छह, दस और छह सोलह, और एक हासिल वाली सोलह और एक सत्रह, सत्रह का सात, हासिल की फिर से एक हो जाएगी,
अब इस पहली लाइन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि पहले एक ली थी, फिर दो लाइनें आ गई, ये दूसरी लाइन, और फिर ये आपकी होगी तीसरी लाइन, ठीक है। एक दो तीन, अब पहली को छोड़ देंगे तो दूसरी और तीसरी का आपको यहां पर तिरछा गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दो दुनी चार और तीन एकम तीन, चार और तीन सात और एक ही हासिल वाली, कितने हो जाएंगे आठ। अब इसको भी छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट ये वाला लाइन रहेगी, तो दो एकम दो, ये दो हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा कितना बन जाएगा यहां पर, 28,768 बन जाएगा। तो देखिए तीन अंकों की संख्या का जो गुणा हमने कितने फास्ट यहां पर कर लिया है। तो इस तरह से आप तीन अंकों की संख्या का गुणा कर सकते हो। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।